हेलो गाइस, आज मेरी मम्मी फिर से नया ड्रेस लाई है आपके लिए। इसमें डालेंगे हम सबसे पहले घी, और इसको ऐसे ही हीट होने देंगे। उसके बाद डालेंगे इसमें हम सूजी, ये है सूजी और ये है चीनी, ये है इलायची दाना और ये है दूध के थैली। इतना ही चीज़ से हम बनाएंगे, इतना ही चीज़ से। अब ये हीट हो गया है, इसमें डालेंगे हम सूजी। इसको ऐसे ही हम फ्राई करेंगे ब्राउन कलर में, धीमी आंच पर। ऐसे ही चलाते हुए इसको हम फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। इसको हम ऐसे ही चलाते हुए फ्राई करेंगे अच्छे से ब्राउन कलर में। इसको चलाते हुए हम भूनेंगे, नहीं तो जल जाएगा ये। इसको चलाना नहीं बंद करेंगे हम, चलाते हुए भूनते रहेंगे इसको। जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तब तक इसको भूनते रहेंगे हम अच्छे से। मीडियम आंच पर इसको हम भूनेंगे, ना ज़्यादा तेज करेंगे ना ज़्यादा कम करेंगे। पूरी तरह से ब्राउन हो गया है, ब्राउन कलर में हो गया है, ये दिख रहा होगा आप लोग को पूरी तरह से। थोड़ा और इसको करेंगे हम, थोड़ा सा और करेंगे इसको। ऐसे चलाते हुए ये हो गया है। इसको हम ठंडा होने के लिए तब तक रख देंगे। अब हम इसमें डालेंगे दूध, दूध डालेंगे। थोड़ा देर के लिए हम गैस को ऑफ कर दिए हैं, दो चार मिनट के लिए। अब डालेंगे गैस दूध। ऐसे ही चलाते हुए मिलाएंगे। इसमें थोड़ा डालेंगे हम पानी, ऐसे ही मिक्स करेंगे हम चलाते हुए। अब हम इसमें डालेंगे पानी, फिर से इसको मिक्स कर लेंगे। गैस अभी ऑफ ही है, ऑन करेंगे हम इसको मिक्स करने के बाद। पहले अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हम। अब हम गैस को करेंगे ऑन। अब इसको हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। चलाते
बनाते रहेंगे आपके लिए। अब इसको हम तेज आंच पर करेंगे, इसमें डाल देंगे हम चीनी। ऐसे ही चलाते रहेंगे हम। ऐसे ही चलाते रहेंगे। इसमें डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा घी, थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे साइड साइड से ताकि ये पकड़े ना। थोड़ा थोड़ा घी डालते रहेंगे इसमें हम। ज़्यादा नहीं डालेंगे, इतना ही डालेंगे जिससे ये पकड़े ना अंदर चिपके ना। अगर आप लोग को ये रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे ही चलाते रहेंगे हम ये ताकि अच्छे से गीलापन ख़त्म हो जाए। ऐसा हो गया है और इसको चलाते रहेंगे अभी हम ताकि और बढ़िया से ये सूखा बनना हो जाए, गीला नहीं रहे, गीला रहे, हल्का रहे, ज़्यादा नहीं रहे। ऐसे ही चलाते रहेंगे हम। थोड़ा सा घी डालेंगे। घुमा घुमा कर डालेंगे हम ऐसे चारों साइड से। अच्छे से ये बन के तैयार हो जाते हैं तब हम दिखाते हैं आप लोग को। देखिए आप लोग कैसा बना है, इसमें नहीं पकड़ रहा है अंदर, देख लीजिए आप लोग, इसमें अंदर नहीं चिपक रहा है। अब ये बनके तैयार हो गया है, 5 मिनट और लगेगा इसमें। अब इसमें डालेंगे हम इलायची पाउडर, इलायची पाउडर डालेंगे। हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये बन के तैयार हो गया है, देखिए आप लोग। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, जाते जाते बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। आज के लिए बाय बाय, अगले ब्लॉग के साथ फिर मिलती हूँ।